रिडक्शन में कोई भी जो बॉन्ड होगा वो HS देके ब्रेक करेंगे। बॉन्ड तोड़ते समय H और H दे देंगे। तीन प्रोसेस ऐसे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो बहुत ज्यादा यूज होंगे, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन में जब भी बॉन्ड तोड़ेंगे HS देके, इसी तरह से ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन में जैसे ए बी बॉन्ड है तो ऑक्सीडेशन में बॉन्ड तोड़ेंगे OH OH देके। OH OH देके बॉन्ड तोड़ देंगे। ये अलग बात है कि कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे, वो अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे उनमें बताते रहेंगे, लेकिन हाँ जो भी बॉन्ड तोड़ेंगे रिडक्शन में HS देके, ऑक्सीडेशन में OH OH देके, और कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे उस समय समय पर आपके सामने चीजें आती रहेंगी। हाइड्रोलिसिस हमने आपको पहले दिन बताया था कि बॉन्ड तोड़ेंगे H और OH देके, रिडक्शन में HS देके, ऑक्सीडेशन में OH OH देके। जैसे मान लीजिए एल्डिहाइड कीटोन है, अब इसका हमें रिडक्शन कराना है तो इसमें पाई बॉन्ड भी है और सिग्मा बॉन्ड भी है, तो अक्सर रिडक्शन में पाई बॉन्ड तोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड थोड़ा मुश्किल से टूटता है। तो पाई बॉन्ड जब हम तोड़ेंगे HS देके तो क्या बनेगा, CHOH, यानी एल्कोहल बन जाएगा। तो ये है एल्कोहल, और ये हमने मान लिया कि ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, और हमने रिड्यूसिंग एजेंट भी मेंशन कर दिया। रिडक्शन तो प्रोसेस का नाम है, जैसे पढ़ाई इज द प्रोसेस, लेकिन टीचर तो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे टीचर होते हैं, ऐसे ही रिडक्शन एक प्रोसेस है लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो H2 इज वन ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, और निकिल क्या है, कैटलिस्ट, निकिल होता है कैटलिस्ट। तो वो जब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि निकिल का रोल क्या है, तब उसमें समझ में आएगा पूरी मैकेनिज्म क्या है इसकी। तो अभी तो मैकेनिज्म वाला पार्ट पढ़ ही नहीं रहे हैं, अभी केवल रिएक्शन जान रहे हैं। तो ये जो H2 निकिल है, द रोल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल इज टू ब्रेक पाई बॉन्ड बाय गिविंग टू हाइड्रोजन। द रोल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकिल इज टू ब्रेक पाई बॉन्ड, मतलब H2 निकिल में केवल पाई बॉन्ड ही टूटेगा। अब वो पाई बॉन्ड मान लीजिए एल्कीन का हो, अब इसका रिडक्शन आप H2 निकिल से करा दीजिए, तो डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है। मान लीजिए एल्काइन हो, और सपोज आपने D2 निकिल ले लिया, तो इसमें दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे। तो H2 और D2 ये तो जानते होंगे ड्यूटेरियम है, ये चाहे H2 ले लें चाहे D2 ले लें, रोल वही होगा। निकिल कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का फंक्शन क्या है वो अभी समझ नहीं पाएंगे जब तक हम लोग मैकेनिज्म वाले सेक्शन में नहीं जाएंगे। अभी केवल ये जान रहे हैं कि रिडक्शन में आपको बॉन्ड तोड़ना है HS देके, और H2 निकिल में केवल पाई बॉन्ड टूटेगा। तो वो पाई बॉन्ड एल्कीन का हो सकता है, एल्काइन का हो सकता है, वो पाई बॉन्ड साइनाइड का हो सकता है। वो पाई बॉन्ड कीटोन का हो सकता है,
इसमें दोनों पाई बॉन्ड तोड़ देंगे, इसमें एक पाई बॉन्ड है। मतलब एच टू निकिल में जो भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे सी एन है, सी ओ है, उस फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड ही हम लोग ब्रेक करेंगे। मान लीजिए एल्डिहाइड है, इसका एच टू निकिल से करा रहे हैं, कभी डैश लगा देते हैं, कभी ऑब्लिक लगा देते हैं, कभी कॉमा लगा देते हैं, तो हाइड्रोजन यहां पे रिएजेंट है, निकिल कैटलिस्ट है, और कुछ टेम्परेचर भी होता है। टेम्परेचर जानना जरूरी नहीं है, क्योंकि हर रिएक्शन का टेम्परेचर याद नहीं रख सकते। तो इन सब में हम लोग आंसर लिख दें। तो पहले वाले में CH3 CH2 CH3, दूसरे वाले में CH3 CD2 CD2 CH3। तो ऐसे में इसके दो मोल खर्च हो जाएंगे, ऐसे में इसके दो मोल खर्च हो जाएंगे। तो पाई बॉन्ड तोड़ा, डी और डी दे दिया, पाई बॉन्ड तोड़ा, डी और डी दे दिया। जितने पाई बॉन्ड्स हो, दो ही पाई बॉन्ड मैक्सिमम हो सकते हैं। इसमें CH3 CH2 CH2 NH2, इसमें CH3 CH2 CCH3 HOH। और इसमें CH3 CH2 CH2 OH। हर केस में पाई बॉन्ड ही H2 निकिल से ब्रेक कर रहे हैं। हम लोग आज एक नेम रिएक्शन पढ़ेंगे, कैनिजारो रिएक्शन, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, कैनिजारो रिएक्शन को समझने के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा एडवांटेज ये है कि एक रिएक्शन को जब पढ़ते हैं तो साथ में बहुत सी चीजें कवर हो जाती हैं। तो जैसे एल्डिहाइड हो, तो एल्डिहाइड का जब H2 निकिल से रिडक्शन कराएंगे, ये एल्डिहाइड है RCHO, तो इसका रिडक्शन कराया तो RCH2OH, ये प्राइमरी अल्कोहल है। एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। अल्कोहल को प्राइमरी तब कहते हैं जब OH जिस कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन अगर प्राइमरी है, और कार्बन अगर एक ही कार्बन से कनेक्टेड हो तो प्राइमरी कार्बन। अब ये कार्बन है, दो तो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, तो कार्बन तो अल्टीमेटली इसके साथ एक ही होगा ना, कार्बन की वैलेंसी चार होती है, तो दो हाइड्रोजन से एक ऑक्सीजन से तो एक ही तो कार्बन होगा। तो अगर कोई कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है तो प्राइमरी कार्बन, और OH अगर प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो प्राइमरी अल्कोहल। OH अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, जैसे यहां पे देखिए, इसमें ये OH देखिए सेकेंडरी कार्बन से अटैच्ड है, क्योंकि इस कार्बन को देखिए तो दो कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कैसा अल्कोहल हुआ, ये सेकेंडरी अल्कोहल। ये वाला देखिए प्राइमरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक ही कार्बन से कनेक्टेड, तो एल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। लेकिन जब हम ये वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं, और बहुत सारे और भी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, जैसे LiAlH4 है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है, एल्युमिनियम आइसोप्रोपॉक्साइड है, बहुत सारे हैं, उन सब में भी एल्डिहाइड का रिडक्शन प्राइमरी अल्कोहल में ही होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जो कार्बोनिल ग्रुप के पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देते हैं, डिपेंड करता है रिड्यूसिंग एजेंट के नेचर है। तो पूरा पूरा CO ग्रुप रिड्यूस हो जाता है,
तो वो रिएजेंट है जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो इसमें दो दो एच आप दे देंगे, मतलब पाई और सिग्मा दोनों टूट जाते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट बदल गया, प्रोडक्ट बदल गया, जिंक अमलगम कॉन्क HCl। अमलगम वर्ड हम लोग तब यूज करते हैं, अमलगम द सोल्यूशन ऑफ मेटल इन मरकरी। किसी मेटल का जो मरकरी में सोल्यूशन है उसको हम लोग अमलगम बोलते हैं। मरकरी लिक्विड होता है, तो एक तरह से ये एलॉय मान सकते हैं। जिंक मरकरी का एलॉय, दो मेटल्स कम से कम होंगे एलॉय में, तो मेटल का सोल्यूशन इन मरकरी इज कॉल्ड अमलगम। और ये एसिडिक मीडियम है, कॉन्सेंट्रेट HCl। तो ये तो रिडक्शन का मसला हो गया, और इस रिडक्शन का पर्टिकुलर नाम है वो लिख लें, बहुत फेमस नाम है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन साइंटिस्ट है, उन्होंने इस रिएक्शन को डिस्कवर किया था, उनके ऑनर में इसको बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। जैसे हमने एक बड़ा सा ये कंपाउंड ले लिया और आपसे कह दिया इसका क्लीमेंसन रिडक्शन कराओ, इस कंपाउंड का क्लीमेंसन रिडक्शन करा दे, नेम्ड रिएक्शंस की हम लोग जानकारी ले रहे हैं विदाउट मैकेनिज्म, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शंस को कई कई बार पढ़ना पड़ता है। तो फर्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जब तक आइसोमरिज्म और जीओसी ना पढ़ लें जिससे कि मैकेनिज्म का रास्ता खुलेगा, और जब तक रास्ता नहीं खुल रहा है तब तक कुछ रिएक्शंस हम लोग जान लें, टेक्निक्स और ट्रिक्स वगैरह से प्रोडक्ट लिख पाए। तो CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, और यहां जब आप HH देके पूरा डबल बॉन्ड तोड़ दोगे तो प्रोडक्ट लिख सकते हैं क्या बनेगा, ये साइकिल, ये हो जाएगा CH3, ये बेंजीन रिंग, और इधर ये प्रोडक्ट हो गया। और अगर H2 निकिल ले लेते तो केवल पाई बॉन्ड टूटता। और ध्यान रहे H2 निकिल सामान्य कंडीशंस में बेंजीन को रिड्यूस नहीं करता, बेंजीन में कुछ विशेष बात है, बहुत लोग जानते होंगे बेंजीन एरोमेटिक है, तो बेंजीन अच्छा खासा स्टेबल मॉलिक्यूल माना जाता है, तो बेंजीन के पाई बॉन्ड को H2 निकिल से तोड़ना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि नामुमकिन है, मतलब ये डॉन नहीं है, डॉन को पकड़ना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन, इसको रिड्यूस करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर आप इसका रिडक्शन करा दें H2 निकिल के साथ हाई टेम्परेचर पर, तो ऐसे में बेंजीन भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में हम लोग एल्कीन और एल्काइन को रिड्यूस करते हैं, उनमें बेंजीन रिड्यूस नहीं होगा। हाई टेम्परेचर एज वेल एज में प्रेशर लगभग 100 एटमॉस्फेयर का लेना पड़ता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का प्रेशर जो है वो 100 ATM हो, जबकि नॉर्मली 1 ATM वाली प्रेशर वाली H2 जो रिड्यूस कर देती है। अब किसी के साथ जबरदस्ती करोगे, प्रेशर लगाओगे तो मजबूरन तो इसके पाई बॉन्ड देखे टूट गए। तो बेंजीन इज एक्सेप्शनली स्टेबल मॉलिक्यूल।
अंडर नॉर्मल कंडीशन इसके पाई बॉन्ड रिड्यूस नहीं होते हैं। यानी अगर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और COCH3 और इसकी रिएक्शन कहा जाए H2 निकिल से कराओ, तो हम लोगों ने इस बात को माना है क्योंकि अभी सीखा तो है नहीं पूरी तरह से कि बेंजीन के बारे में आपने इस बात को जाना और उसको माना कि भैया बेंजीन में कुछ होगा खास बात, स्टेबल है, रेजोनेंस होता है, एरोमेटिक है, हकल रूल फॉलो होता है, तो ये सब पढ़ा जाएगा आगे कि आखिर बेंजीन में ऐसी क्या स्पेशल बात है कि ये बेंजीन अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना चाहता है। H2 निकिल आया लेकिन कोई वेलकम ही नहीं, H2 निकिल के प्रति उदासीनता शो कर रहा ना, तुम होगी H2 तुम होगे निकिल ना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं दोगे तब तक हम तो इसमें क्या करेंगे जो साइड चेन, इसलिए इसको गोला लगा देते हैं है ना, कि हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं ताकि किसी को वो पाई बॉन्ड दिखे ही नहीं, ऐसे लगा देंगे, अरे सर इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, इसलिए ऐसे लिख दो और आगे क्या लिखते हैं CH2 CH2 CH3 और ये CHOH CH3। एल्कीन का पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया, कीटोन का पाई बॉन्ड रिड्यूस हो गया। अब मान लो हम इसका क्लीमेंशन करा देते हैं तो क्लीमेंशन में ये CO किसमें कन्वर्ट हो जाता, CH2 में, लेकिन क्लीमेंशन में HCl है और HCl एल्कीन से रिएक्शन कर जाता है, इसीलिए इस तरह के एग्जाम्पल अभी हम लोग डील नहीं करेंगे क्योंकि फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो एग्जाम्पल, क्योंकि जो HCl है HCl के साथ एल्कीन रिएक्शन कर जाती है, क्लीमेंशन ने तो इसको रिड्यूस कर दिया, लेकिन जो क्लीमेंशन में HCl है HCl एल्कीन के साथ रिएक्शन कर जाएगा। अब अगली बात है ऑक्सीडेशन की, जब हम लोग एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं, क्योंकि आज अपना मकसद है कैनिजारो रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना, इसलिए उस तक पहुंचने के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, जैसे क्लीमेंशन रिडक्शन को थोड़ा पढ़ा, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का आपको ये तो मालूम ही है कि CH बॉन्ड की ब्रेकिंग CC बॉन्ड की तुलना में आसान है, क्योंकि अगर आपने CC बॉन्ड ही तोड़ दिया तो उसका नेटवर्क ही खत्म हो जाएगा, तो CH बॉन्ड का टूटना आसान है, तो आप इस CH बॉन्ड को OH देके ब्रेक कर दोगे, यानी एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से एसिड बन जाते। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ बन गया एसिड, आपने OH देके बॉन्ड तोड़ दिया। अब ऑक्सीडेशन कोई एक प्रोसेस है तो जरूर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फेरो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट H2O2 है, ओजोन है, क्लोरीन है, KMnO4 है, SD5 पोटेशियम डाइक्रोमेट है, HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड है, देर आर सेवरल नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक सोल्यूशन, टॉलन रिएजेंट, बहुत सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन जब भी होगा किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से होगा एसिड ही बनेगा। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स पढ़ने के लिए इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती है, KMnO4, K2Cr27, H2O2, ओजोन, ये सब क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो इनऑर्गेनिक पढ़नी पड़ती है। तो ऑक्सीडेशन में बस आपको इतना सीखना है कि बॉन्ड ब्रेक करना है OH के, लेकिन कौन सा बॉन्ड, ये CC सिग्मा बॉन्ड नहीं, क्योंकि CC सिग्मा बॉन्ड नॉर्मल कंडीशन में नहीं टूटता, और इसको तोड़ नहीं सकते। कोई कहा सर पाई बॉन्ड क्यों नहीं तोड़ रहे, अरे भैया इसके पास पहले से ऑक्सीजन है, मान लो आपने OH देके बॉन्ड तोड़ दिया पाई वाला, सपोज आपने OH देके बॉन्ड तोड़ दिया तो ये बनेगा, अब ये परऑक्साइड लिंकेज आ गई कि नहीं आ गई, और परऑक्साइड लिंकेज तो बहुत अनस्टेबल होती है, तो ये बिल्कुल नॉनसेंस वाली बात हो गई। जिसके पास पहले से ही ऑक्सीजन है कहेगा भैया हमें और ऑक्सीजन काहे को दिए पड़े भैया, है ना, जब गोताखोर जो है अंदर जाता है समुन्दर के अंदर तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाता है, ये तो ना कि भरपूर ऑक्सीजन भरी हुई है,
साथ में हीलियम भी उसमें डली होती है, लिमिटेड अमाउंट में। हर चीज का एक संतुलन बनाना पड़ता है कि 20% O2 है तो 80% हीलियम है। अगर एयर ले जाएगा तो एयर में N2 होती है, N2 ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, ब्लड में डिजोल्व हो जाएगी तो कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हाई प्रेशर पे N2 ब्लड में डिजोल्व हो जाती है, इसीलिए O2 के साथ हीलियम उसमें मिक्स करते हैं। तो कोई भी चीज हम लोग जब लेते हैं तो उसका अमाउंट कंट्रोल रखना पड़ता है। तो इसलिए जब पहले से इसके पास ऑक्सीजन है तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। इसको ब्रेक कब करेंगे? जब रिडक्शन कराना हो, यानी एल्डिहाइड के रिडक्शन में आप तोड़ेंगे पाई बॉन्ड और एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में आप तोड़ेंगे ये CH सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है और कैसे तोड़ना है, और फिर तीसरा आता है मैकेनिज्म क्या है। कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, कैसे तोड़ना है, वैसे तो ये भी आता क्यों तोड़ना है, और उसकी मैकेनिज्म क्या है। जब रिडक्शन कराओगे तो हम लोग इसमें पाई बॉन्ड तोड़ेंगे HH देके, तो क्या बन जाएगा RCH2OH, मतलब प्राइमरी अल्कोहल। और जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो OH OH देके बॉन्ड तोड़ देंगे, एसिड बन जाएगा। ये चीज हम लोग को काम आनी है कैनिडारो रिएक्शन, एल्डिहाइड का रिडक्शन, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में बॉन्ड तोड़ेंगे HH देके, ऑक्सीडेशन में बॉन्ड तोड़ेंगे OH OH देके। कौन सा बॉन्ड कब तोड़ना है ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। देखिए H का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो यहां H निकल गया और O जुड़ गया, ये कोई कहेगा सर H कहां निकला, H तो है ही, तो कह दो O जुड़ गया, ऐसे समझ लो। और H का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, देखिए H जुड़ गया, H का जुड़ना रिडक्शन, H का निकलना ऑक्सीडेशन, O का जुड़ना ऑक्सीडेशन, O का निकलना रिडक्शन। अब अगली बात ये समझनी है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड के संपर्क में हम कास्टिक सोडा या कोई स्ट्रॉन्ग बेस लेके आएंगे तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ये H प्लस और ये OH माइनस, तो वाटर निकल के सॉल्ट बन जाएगा। ये आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि H प्लस और OH माइनस वाली जो रिएक्शन है ये रिएक्शन सुपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहलाती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सुपर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, मतलब ये रिएक्शन बहुत आसानी से विद इन माइक्रो सेकेंड हो जाएगी अगर एसिड को बेस मिल जाए तो। मतलब H प्लस और OH आयन एक दूसरे को अगर देख लेंगे तो पगला जाएंगे, बिल्कुल तुरंत पानी बन जाएगा। जानते हो इस रिएक्शन में हीट कितनी निकलती है, इसमें हीट निकलती है जैसे ये दोनों एक दूसरे को कह रहे हो तेरा साथ है कितना प्यारा, एक दूसरे को ही कह रहे हैं, तो 13.7 हीट निकलेगी, 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मतलब अगर वाटर का एक मोल बन रहा हो H प्लस और OH आयन के इंटरेक्शन से तो 13.7 किलो कैलोरी पर मोल हीट रिलीज होती है। और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो लगभग 10^16 होता है, 10^16, 1 करोड़ में 10^7 होते हैं, 1000 करोड़। 1000 करोड़ की आपके ड्रीम होगा, 1000 करोड़ कमा ले, हम किसी का ड्रीम को 500 करोड़ तक हो तो 1000 करोड़ 10^10 हुआ, ये 10^16 है। देख रहा हो रिएक्शन कितनी आगे को जा रही है, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा मतलब रिएक्शन का होना उतना फेवरेबल है, यानी H प्लस और OH आयन अगर मिलेंगे तो समझ लो वाटर बनना तय है और बहुत जल्दी, और लगभग सारा का सारा ये खत्म हो जाएगा, ये बन जाएगा।
तो एसिड का काम है प्रोटॉन देना, बेस का काम है OH आयन। जब दोनों मिले तो रिएक्शन तुरंत हो गई और सॉल्ट बन गया। अब हम लोग को समझना यह है कि इस तरह के जो एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा एच नहीं है, जैसे ये हो गया, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एच नहीं है, बेंजल्डिहाइड हो गया, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनके पास अल्फा एच नहीं है, अब चेक करो इन सभी के पास आप देखोगे अल्फा एच नहीं होगा। और फॉर्मल्डिहाइड जो सबसे पहला मेंबर है एल्डिहाइड परिवार का, नन्ना मुन्ना सबसे छोटा सदस्य, पहला सदस्य एल्डिहाइड परिवार का, फॉर्मल्डिहाइड उसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, बाकी के पास कम से कम अल्फा कार्बन तो है। देखिए अल्फा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। ओ फॉर्मल्डिहाइड के पास तो क्या हम अल्फा लगाए, यार मेरे बगल कार्बन कहाँ भैया, अल्फा ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा एच का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नहीं कि आप इसको अल्फा एच बोल दो, सर इसी को बोल दीजिए, ऐसे थोड़ा ना होता है। किसी हॉल में मान लो 500 सीटें हैं, 50 सीटें भरी हैं, अरे भाई साहब खाली पड़ी हमको बिठा दीजिए, बिना टिकट लिए थोड़ा बिठाएगा। ट्रेन खाली चली जाए बिना टिकट नहीं बैठ जाओगे, भाई साहब ट्रेन खाली पड़ी है बिठा दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जगह पहले टिकट ले गया हो। तो ऐसे ही ये कहेगा भैया अल्फा कार्बन जब तक नहीं होगा तो अल्फा एच कहां से होगा। तो इन सबके पास अल्फा एच नहीं है, अगर अल्फा एच नहीं है तो NaOH की प्रेजेंस में क्या एल्डोल रिएक्शन हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, एल्डोल रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। और वहीं पर जो कीटोन है, जैसे मान लीजिए एसीटोन है या साइक्लोहेक्सेनोन है या मान लीजिए एसीटोफिनोन है, अब ये सब कीटोन होके दे आर कैपेबल टू परफॉर्म एल्डोल रिएक्शन, NaOH की प्रेजेंस में ये एल्डोल रिएक्शन देंगे। हैं कीटोन, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम बताना है, एसीटोन, इसका नाम साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेनोन, अल्दो इसका यूपीसी नेम भी है, इसका नाम एसीटोफिनोन। तो ये सब कीटोन होकर एल्डोल दे रहे हैं क्योंकि इनके पास अल्फा एच है। देखिए अल्फा एच है, अल्फा एच है, अल्फा एच है, लेकिन ये जो है ये सब एल्डिहाइड होके एल्डोल नहीं दे पा रहे, तो चिड़ तो मचेगी, एल्डोल रिएक्शन एल्डिहाइड होके नहीं दे पा रहे। तो इन लोगों ने कहा भैया हम लोग एल्डिहाइड परिवार से जा रहे हैं, हम लोग को नहीं रहना एल्डिहाइड परिवार से। तो इनसे कहा गया कहीं नहीं जा रो, कहीं नहीं जा रो, कैनी जा रो, मतलब ये कैनिजारो रिएक्शन देंगे, कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा एच नहीं होता है। ये है कैनिजारो की स्पेलिंग और ये साइंटिस्ट का नाम है जिसको हम लोग हिंदुस्तानी लोग थोड़ा सा इस तरह बोले, कहीं नहीं जा रहे हो, कहीं नहीं जा रहे हो, यही रुको, तुम एल्डोल भले ना दे पाओ लेकिन तुम्हारे साथ NaOH की प्रेजेंस में ऐसा होगा दुनिया देखते रह जाएगी, कहीं नहीं जा रहे हो, बैठो, ये बैठो जंतर मंतर पे बैठो आओ। तो कैनी जारो रिएक्शन ये देते हैं, कौन से एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा एच नो। तो कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा, देखिए ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा एच नहीं है जब उसको NaOH की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे तो एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, लेकिन एसिड न बन के उसका सॉल्ट बन जाए। और ये एल्डिहाइड कैसा है, नॉट कंटेनिंग अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिजारो रिएक्शन वो एल्डिहाइड्स देंगे जिनके पास अल्फा एच नहीं है,
इस रिएक्शन में एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे एनएओएच की प्रेजेंस में, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होगा, दूसरा मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा। रिड्यूस होने से प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडाइज होने से एसिड, लेकिन एसिड न बन के उसका सॉल्ट बना क्योंकि मीडियम में बेस है और एसिड को बेस पसंद है। भाई इसके रिडक्शन से ये बना, बच्चे कहेंगे सर रिड्यूसिंग एजेंट तो है नहीं, कहाँ एच टू निकिल है। बिल्कुल सही बात है, एच टू निकिल नहीं है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी नहीं है, ये तो बेस होता है। कौन कहेगा ये रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन कहेगा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन हो रहा है NaOH के आते ही ऐसा चमत्कार हो रहा है। यही तो केमिस्ट्री है। इस केमिस्ट्री को समझने के लिए फिर हम लोग मैकेनिज्म में घुसते हैं, कैसे हो रहा है ये। जैसे बहुत सारे मैजिशियन नहीं जादू दिखाते हैं, लोग कैसे कर ले रहा है यार, समझ में नहीं आया। फिर उसके पीछे की साइंस बताते हैं, वो ज्यादातर फिजिक्स लगती है उनमें, होती तो साइंस है ना वो भी। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट सोचेगा ना रिड्यूसिंग एजेंट है ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, काम दोनों हो रहे, चक्कर क्या है। तो वो चक्कर समझने के लिए उसको डिटेल में घुसना पड़ेगा उसको। लेकिन पहले मानो तो, मानने से इनकार कर दोगे तो उसको समझने की दिशा में काम ही नहीं कर पाओगे। तो कैनिजारो रिएक्शन के बारे में लिखते हैं पहला पॉइंट। इन दिस रिएक्शन द रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ